अमेरिका ने पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स की कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिशों को खूब सराहा। अमेरिका और पाकिस्तान में रिसर्चर इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स की कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों की तारीफ की। ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर की प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान में रिसर्चर इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एलिस वेल्स ने ट्वीट किया कि हम वायरस का नक्शा बनाने के लिए ओपन डेटा शेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने काम के लिए अमेरिका में नेक्स्ट्रेस्टन CID एड और पाकिस्तान में नस्ट की तारीफ करते हैं। नस्ट पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के तहकीकी इदारों में से एक है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने तहकीक और तहकीक के जरिए हुकूमत को वबाई मर्ज से लड़ने में मदद करने और मतलूबा टेक्नोलॉजी को तरक्की देने में इंस्टीट्यूट की खूब तारीफ की। वजीर ने कहा कि नर्स के जरिए तैयार करदा कोरोना की टेस्टिंग किट्स को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान DRAP ने मंजूर कर लिया है और अब इसे आजमाइशी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाएगा। फवाद चौधरी ने मजीद बताया कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर 1.5 लाख के करीब टेस्टिंग किट्स तैयार की जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेंटिलेटरों के लिए 48 डिजाइन हासिल किए थे, इनमें से 3 की मंजूरी देकर DRAP भेज दिया गया है जो कि चंद दिनों के अंदर काम करने के काबिल हो जाएंगे।